क्वेश्चन दिखाते हैं, ये तो हम करेंगे ठीक है। लाइक आगे अभी और भी चैप्टर रह रहे हैं। सी, तो ये दिख रहा है आप लोगों का, ये हमारा हो चुका है ना, मैम हाफ स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाफ स्क्रीन दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हाफ स्क्रीन क्यों दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब मैम अभी कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नहीं, मैम स्क्रीन दिख रही है। अब दिख रहा है कुछ? अब हाफ दिख अरे यार 2 मिनट रुको, फिर मैं इसको स्लाइड उसमें ही कर देती हूँ, पीपीटी में स्लाइड शो नहीं करती हूँ, गिव मी अ सेकंड। अरे बाबा हो जाए यार। अभी दिख रहा है? अब भी हाफ ही अभी हाफ क्या दिख रहा है? अभी हाफ क्या स्क्रीन। दिख रहा है? हाफ स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? तो कुछ नहीं, मैम क्वेश्चन पेपर जैसा दिख रहा था। जैसा नहीं, क्वेश्चन पेपर ही था। क्वेश्चन पेपर ही था हाँ मैम क्वेश्चन पेपर दिख रहा था। शैतान। अच्छा चलो ठीक है, गिव मी अ सेकंड, मैं फिर से विजिबल करती हूँ, आप बताना दिखा। मैम अब भी क्वेश्चन पेपर आधा ही दिख रहा है। आधा दिख रहा है? अच्छा 2 मिनट। हाँ अभी अभी क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। यस यस मैम मैम। एक क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ तो एक ही क्वेश्चन है ठीक है। अच्छा क्या दिखाई दे रहा है ये बताओ मुझे, बोलो। रीड आउट करो इसको, जरा रीड करो। बोलो बोलो। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ लिथियम आयन इज एक्स। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम विल बी। अब निकाल सकते हो ना, वो रेडियस वाला फॉर्मूला बताया था ना, शॉर्ट ट्रिक वाला, शॉर्ट फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन आया है, एक मेरा इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है, चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सीनियर सेकंड अभी पता नहीं क्या हो रहा है। ये बताओ दिख रहा है? ये दिख रहा है, देख रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का क्वेश्चन आया है उसका, बिल्कुल मतलब सब कुछ दे रखा है ठीक है, बस एक रेडबर्ग का फॉर्मूला लगाना है आपको ठीक है। दिस वन एंड इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है भाई बताओ, इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में कोई करेगा इसको? और हमें रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 0.53, और आगे बोलो क्या बताया था मैंने, बोलो बोलो, एन स्क्वायर अपॉन में जेड ऐसे बताया था ना। अब एन क्या है मेरा, एन क्या है, कौन से ऑर्बिट में है, ये तो बताया था। तो मेरा क्या है, हमको क्या निकालना, रेशियो ही तो निकालना है, किसका, लिथियम का है बेरिलियम का, लिथियम एंड बेरिलियम का है ना। अब लिथियम का इसने दे रखा है कि जो रेडियस है वो क्या है, एक्स है ठीक है। लिथियम का क्या है, रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट इज एक्स ठीक है। अब जो सेकेंड ऑर्बिट का क्या है, मीन 0.53 स्क्वायर हो जाएगा। अब जेड क्या होता है इसका, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, थ्री ना, थ्री डिवाइडेड बाय थ्री 0.53। और बेरिलियम का, बेरिलियम का क्या होता है, अगर मैं रेडियस निकालू, कौन सा थर्ड, कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है पहले तो ये बताओ, थर्ड ऑर्बिट की, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट की है, तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट की, तो 3 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय क्या होता है इसका, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है ना। तो देखो 0.53 से 0.53 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, है ना, इसका हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय 3 इनटू इनटू, बोलो बोलो क्या होगा, 9, ऊपर क्या आ जाएगा 4, तो ये 16/27x, सॉरी एरिया, रेडियस है ना, तो रेडियस मतलब ए नॉट हो जाएगा, दैट इज एक्स। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा मेरा, बी ऑप्शन, दैट 16x/24। सिंपल यही फॉर्मूला याद करना था और लगाना था और कुछ नहीं करना था इसमें, तो कुछ याद आ रहा है मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? ऐसा क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों भाई, सारा क्यों नहीं याद आ रहा? चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
ये वाला क्वेश्चन तो मैं भी कराऊंगी क्योंकि अभी तुम्हारा हुआ नहीं है टॉपिक, तो मैं कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन नंबर लाइक ये जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज हैविंग मोलर मास 84 ग्राम पर मोल, क्या है? तो क्या होगा इसका, क्या लगेगा इसमें? लाइक हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलर मास 84 ग्राम पर मोल एंड 85.8% कार्बन बाय मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले तो ये बताओ। इसमें मास परसेंटेज लगेगा ना, बोलो। यस मैम, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है तो अगर सी एक्स एच वाई ले रहे तो हमको तो वैल्यू इनकी निकालनी है, इनकी तो निकालनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, पहले तो परसेंटेज निकालेंगे, पहले तो हम परसेंटेज निकालेंगे। अब मोलर मास दे रखा है, हाइड्रोकार्बन का मोलर मास दे रखा है, तो हाइड्रोकार्बन का मोलर मास जब दे रखा है तो क्या होगा फिर, परसेंटेज निकालेंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते थे भाई, कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कार्बन का जितना भी कॉम्पोजिशन लिया है डिवाइडेड बाय टोटल। अब इसने मोलर मास ही दे रखा है 84, तो ये कार्बन का निकल लेगा। अब हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, 84, तुम्हारा हाइड्रोजन का निकल आएगा। क्यों, ओए शतानो, यस मैम, क्या सोच रहे हो, इसमें बताओ जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में करेक्ट क्या है इसमें बताओ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ओनली ऑन वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहले तो ये याद करो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको फॉलो करता था, इसने इसे करेक्ट बताना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा क्या था बताओ जल्दी, कौन सा नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कौन सा था, वेव और पार्टिकल नेचर? मैम वेव, ओए नेचर तो दो बताए थे ना मैंने, डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस, और उन्हें मैंने क्या बोला था, जो वेव नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो हमारा क्या होता है, सिर्फ इंटरेक्ट, वो डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस, इन दो चीजों को एक्सप्लेन कर सकता था। लेकिन मेरा वेव नेचर ऑफ लाइट किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, थर्ड कौन सा था बच्चे, इंटेंसिटी, वो जो टेम्परेचर बढ़ाने पे, जब हम मेटल पे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उसका कलर चेंज हो रहा था, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट लाइन स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या करेक्ट होगा, दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दिस वन इज करेक्ट ना? यस मैम, बस तो yes. और हमारी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है हमारी, बोलो बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है ना? तो इसमें हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, तो ये भी होगा इसका आंसर, लाइक ए एंड डी। और एक और था, मैंने वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला बताया था ना, याद है वर्क फंक्शन का, आइंस्टाइन वाला, लाइक एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस में हाफ काइनेटिक एनर्जी, ये बताया था ना? Yes. तो मेरा क्या, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड ओनली ऑन द वर्क फंक्शन। अब ये तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन ही तो होता है, हाँ इस पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो? क्या हुआ, चीजें निकाल हुई कि नहीं हुई मैम? हुई हुई, बट आंसर नहीं करना मैम, हाँ इतने में तो हो जाना चाहिए था। बताओ ये बताओ, चलो अरे ये तो क्या, पर फिर भी बता सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम लोग कर चुके हो, बट कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से तरीके से समझाऊंगी आज मैं, ठीक है? तो चिल मारो, अभी नहीं करो, ठीक है? लेकिन देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा चलो, इसमें से कुछ तो बताया था मैंने, कुछ बताया कि नहीं बताया, लिख रही तो फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है, लाइट, हाँ हाँ तो
ये सब चीजें आगे आएंगी लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, लेकिन फिर भी फोटोन विल टेल फोटोन के पास हमारा मोमेंटम भी होता है बच्चा और वेवलेंथ भी होती है, हम वेवलेंथ निकालते थे ना जब हमारे पास फोटोन होता था। यस मैम, फोटोन हैव बोथ मोमेंटम एंड द वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये कौन है? ये कौन था मैम? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये नहीं बताएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बताएगा जो हम आज पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये बताता है मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक है, क्या बताएगा मेरा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? अगर एन है तो ये बताता है नंबर ऑफ सेल को, ठीक है ना। यहाँ पे गलत लिख रखा है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आप, ठीक है, ये इसको करेगा। लाइक इलेक्ट्रॉन हैव ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू एंड फोटोन हैव एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड द वेवलेंथ। क्योंकि हमारा लैम्डा क्या था, लैम्डा लैम्डा की वैल्यू क्या थी बच्चे, दैट हमारा क्या था, पी इज इक्वल टू एच लैम्डा था। तो हमारे फोटोन क्या होते हैं, हमारे ऑब्वियसली मोमेंटम पे भी डिपेंड करेंगे, हमारे वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेंगे, समझ रहे हो? यस मैम। गंदे बेबी। जब मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता था, आई सेड टू हिम लाइक गंदा बेबी, ठीक है। तो आज आप लोग भी गंदे बेबी बने हुए हो। अच्छा ये बताओ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, चलो इसमें से बता दो एक ऑप्शन, क्योंकि अभी ये हो ही नहीं है बट फिर भी तुम्हारी क्लास में तो हो चुके हैं, तो प्लीज मेरे को बताओ। चलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है मैम? जो फोर्थ पॉइंट है डी, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। गुड, और वेरी गुड, चलो वाओ क्लैप। मेरी साइड से एक चॉकलेट ले लेना, मैं पे कर दूंगी, ठीक है। मैम आपको पता कैसे लगेगा कि सॉफ से ली है? अरे फोन पे कर देना ना, मैं फोन पे कर दूंगी ना, तुम्हें को गूगल पे कर देना, उसकी लिंक भेज देना, मैं पे कर दूंगी, ठीक है ना। तो चॉकलेट पे नहीं, तो देश के लिए। चलो अब तुम लोगों ने क्लास में ये सब चीजें भी पढ़ी है, होम्स रूल ऑफ पाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई मुझे बता सकता है? बताइए मैम। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फॉर क्वांटम नंबर्स। क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। और अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है हमको? ई ऑप्शन है इसका, पर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। वेरी गुड। नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट, हुन्स रूल क्या बताता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग, मैम एक मिनट, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital is singly occupied. Very good. तो मेरा क्या होता है? Hund's rule pairing बताता है, means electrons की pairing करती है। एक Hund's rule ना हमारा आगे ये half filled और completely filled भी देता है extra stability के लिए, ठीक है? तो B और C options भी दोनों आ सकते हैं। Very good. Like clap for them. Like जिन्होंने भी दिया है ना, so clapping for them. Very good. Wow. Finally. मतलब तुम लोग न्यूमेरिकल्स पे ध्यान नहीं देते हो ना शैतानो। चलो इसे बता सकते हो, क्योंकि आज हम करेंगे वैसे इसके बारे में, बट स्टिल चलिए एक बार देख लेते हैं आता है कि नहीं आता, बताइए। हम स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, वेरी गुड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा ओरिएंटेशन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा शेप बताता है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, यस मैम। चलिए वेरी गुड। नाउ लाइक ये तो अभी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट
ये भी होगा लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर डीजनरेटेड. तो डीजनरेट वो होता है जहाँ पे पी इज इक्वल टू लाइक पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड होता है, ठीक है ना. तो वही हमारे क्या होते हैं, हमारे डीजनरेटेड कंडीशन होती है हमारी, ठीक है. तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे है एक्स वाई जेड, कहाँ पे इज इक्वल टू होंगे, कौन से ऑर्बिटल डीजनरेट होंगे, देखो 3xy और हमारे क्या होगा 4d, दिस वन, क्योंकि xy की वैल्यू क्या है दैट सेम, उसमें बोला था px जो हमारे ये वाले ऑर्बिटल्स इक्वल हो जाएंगे जहां पे हमारी एक्सेस होती है, ठीक है. ये हम आज करेंगे, ये भी हम करेंगे, वैसे तुम्हारी क्लास में हुआ है क्योंकि ये एक एक लाइक यू कैन से देखिए एक ना एक एक्सेप्शनल टॉपिक है जो मैं कराऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आप लोगों को क्लास में कराया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? यस मैम. कराया है, चलो वेरी गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं कराया है तो. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एन और एल पे, किस पे डिपेंड करता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, एन और एल, ठीक है. चलो ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बता सकते हो. हाँ हाँ डेफिनेट पाथ, हाँ हेजनबर्ग में मैंने किया था ना बार बार ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री बोला था ना, ट्रेजेक्ट्री पॉइंट आउट किया था ना मैंने, तो ये क्या हो गया हेजनबर्ग में. देखो जिस कई बार ना फिर जो टॉपिक में एक एक क्या हो गया एक ट्रेजेक्ट्री दे दिया बस उसने, ठीक है ना, तो कहाँ पे देखा हेजनबर्ग हो गया. अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे एसोसिएट में थर्ड शेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज एन स्क्वायर, तो हमारे 9 होते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्योंकि थर्ड शेल की बात हो रही है तो वो 9, ठीक है ना मैम. राइट के निशान लगा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. अच्छा रुक जा, पर मैं भेज दूंगी. यस मैम, आप ग्रुप में डाल देना. मैं ग्रुप में डाल दूंगी जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे ना, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अदरवाइज इनके विद सॉल्यूशन मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी, तो डोंट टेक इट लाइक इसको मत लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना. यस मैम, ओके मैम, हाँ ऐसे परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट, अब गिव मी अ सेकंड. हाँ हमारा हाइजेनबर्ग हो गया था एंड डी ब्रोकली भी हो गया था ना, डी ब्रोकली. यस मैम, पक्का ना. यस मैम, ठीक है. तो डी ब्रोकली हो गया था, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है. किसके बारे में पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो मेरा अभी अभी हमने ना एक चीज पढ़ी थी, सेकंड, आज मैम के सर में दर्द तो रो रहा है फालतू के. तो बेसिकली जो हमारी क्या होती है, मेरे ना इधर उधर फंस जाता है इसलिए मैं लाइन वाला ले रही हूँ. कम से कम ऐसा तो दिखेगा कि हाँ चलो सही से कर रखा है, वरना ऐसे लगता है कि आगड़ हाँ बड़बड़ दिया मैंने, ठीक है. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बोलती है, बेसिकली जो हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो लाइक हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कैसे बिहेव करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते हैं उसको बेसिकली क्या कह सकते हो कि उसको बताने में फेल हो गए, ठीक है. तो इसी वजह से हमारा एक क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारे किस पे था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेस्ड था, किस पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है. तो बेसिकली जो हमारा वेव, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये भी किस पे बनाई गई है, हमारी किस पे डिपेंड है, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स पे, किस पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है. तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है बेसिकली हम जानते हैं लाइक ये क्या है मेरा न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस में मेरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक राउंड राउंड घूमने होते हैं, ठीक है. लेकिन जब हमको देखते हैं ना
जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव की तरह फॉर्म करते हैं, लाइक वेव की तरह ऐसे 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 दिखते हैं, ठीक है। अच्छा देखोगे ना तो वेव, तो ये जो हमारा फाइव फंक्शन डिनोट करता है मेरे वेव फंक्शन को, किसको, वेव फंक्शन। ये मेरे इस चीज को बताता है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं और द मूवमेंट उस पे उनका क्या होता है, एम्पलीट्यूड कितना है। क्योंकि आप जानते हो जो हमारी वेव होती है तो ये क्या होता है, जो ये हाइट का जो क्या होती है डिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। तो जो हमारा ये वेव फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन, तो इनका क्या होगा, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड निकालेंगे कि एम्पलीट्यूड ये बताएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है, किस पोजिशन पर है। तो इसमें हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारा होता है एक फाइव स्क्वायर, ठीक है, फाइव स्क्वायर बताता है दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या बताता है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन एन ऑर्बिटल और नोड या फिर कहां पर है। लेकिन ठीक है अभी एटम लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा जब साइज स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट होती है ना, ठीक है, मेरा जब अगर मेरा फाइव स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट होगी तो उसके कहने का मतलब है जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो मेरे मिलेंगे ऑर्बिटल में, कहाँ पर मिलेंगे, ऑर्बिटल में। ऐसे ही मेरा फाइव स्क्वायर अगर मेरा जीरो है तो जीरो करता है कि मेरे क्या है, हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, नोड पे, और नोड पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, बिल्कुल जीरो, क्या होती है, बिल्कुल ही जीरो होती है, ठीक है। तो मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मेरी क्या कहती है कि अगर हम इस वेव फंक्शन को क्या करें, डिफरेंशिएट करें, ठीक है, मीन्स अलग अलग पोजीशन पे, बेसिकली हम जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं ना वो हम तीनों पोजीशंस पे करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों पोजीशन पे, तीनों कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा क्या होता है, एटम क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है ना, स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, तो क्या हो गए, 3D शेप होती है, तो 3D होता है तो क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, हम तीनों डायरेक्शंस में देखेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट पे चेक करने के लिए हमारा क्या होता है, कौन हेल्प आउट करता है हमको, दैट वेव फंक्शन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन होता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, हर एक एक्सिस पे इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेव फंक्शन अप टू द एक्स एक्सिस, ओके, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेव फंक्शन टू द वाई एक्सिस एंड डी स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय डी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में मेरा वैल्यू होता है 8 pi स्क्वायर m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर e माइनस v इनटू में 5, विच ये सारी पूरी इक्वेशन होती है, विच इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, मीन्स इसे हर एक पोजिशन पे ये क्या है, मीन्स एक सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, है ना, चेंज होता रहता है, ठीक है ना, चेंज होता रहता है। तो उसे क्या लिख दिया, मैंने पूरी वेव इक्वेशन को जो एक्स वाई जेड एक्सिस था उसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा फाइव, डेल्टा स्क्वायर फाइव प्लस में एट बेसिकली ना ये इसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, इस फॉर्मूले के बारे में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है वेव इक्वेशन का, ठीक है। तो 8 pi स्क्वायर m डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एंड e माइनस वी 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें फाइव क्या है, फाइव क्या है बच्चा मेरा, फाइव क्या है मेरा, वेव फंक्शन, क्या है बेबी, वेव फंक्शन, और E क्या है मेरी, E से क्या बनता था मेरा, E से मेरी एनर्जी, वेरी गुड, E क्या है मेरी, टोटल एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, और V क्या है मेरा, V है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं मेरी टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाले तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी में से हम पोटेंशियल एनर्जी माइनस करो तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, That is half mv square, ठीक है, ठीक है ना। अब ये मेरा क्या है, दिस इज वेव फंक्शन, है ना, ये क्या हो गया मेरा, वेव फंक्शन, और हमारा फाइव स्क्वायर क्या बता रहा था बच्चे, क्या बता रहा था मेरा, प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहा था, इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यू कह सकते हो कि ये बताता है मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो अभी बताया था, है ना, मिक्स एंड मैच में आया था ना ये, तो ये क्या हो गया,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या डिटरमाइन करेगा कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ पर है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे अगर हम ढूंढ रहे हैं तो, ठीक है. मीन्स हायर, इसकी वैल्यू हायर है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो क्या है, ग्रेटर है, बहुत ज्यादा है और नियर टू द ऑर्बिटल है, ठीक है. और अगर मेरी क्या है जीरो है, तो जीरो है, जीरो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है. और कहां उसको रिप्रेजेंट करेगा, नोड को, कि नोड पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. और जो मेरे नोड बनता है वो मेरी किस पे बनती है, नोडल प्लेन पे. कहां पर बनती है, लाइक मैं बोलूं कि 5² = 0, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नोड को, और नोड बनती है हमारी नोडल प्लेन पे. कहां पर बनता है बच्चे, नोडल प्लेन पे, ठीक है. इतना समझ आया, बताओ. वेरी गुड, ठीक है. अब मेरा ना एक और चीज आती है जो मेरी, मैं बोलू कि इन शॉर्ट अगर मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो हम ना ऐसे लिख देते हैं इसको, एच फाई और यहाँ पे ऐसे, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, मेरे E5 फंक्शन के, ठीक है. तो जो मेरा एच है ना वो होता है मेरा एक मैथामेटिकल, इसके बारे में भी पूछना जाता है, दैट्स व्हाई इसको बता रही हूँ, ठीक है. इसको बोलता है मैथामेटिकल जनरेटर, या फिर इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर हैमिल्टोनियन. अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता क्या है, बेसिकली अगर हम ग्राफ्स की फॉर्म में जाते हैं ना, तो हैमिल्टोनियन स्ट्रक्चर वहां पे यूज होता है. हैमिल्टोनियन का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी वर्टेक्स को हम एक बार जरूर विजिट करते हैं. वर्टेक्स कहने का मतलब हो गया, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पे देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हर एक एक्सिस पे, लाइक एक्स एक्सिस पे देखेंगे, वाई पे भी देखेंगे, जेड पे भी देखेंगे, मींस एक वर्टेक्स को एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है ना, ठीक है. वेरी गुड. अब ना एक चीज आती है कि मेरे को मिलेगा कैसे कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे. अभी मैंने ये तो बता दिया कि चलो फाइव है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उससे पहले भी तो कोई बताता होगा कि भाई साहब ये फाइव है, ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि मेरे को ना स्नेह के घर जाना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई स्नेह ना हिमाचल प्रदेश में रहती है, और हिमाचल प्रदेश में भी एक जगह है, वो गली नंबर है, और इस गली में ये हाउस नंबर है, तो ऐसे ऐसे करके पहुंचूंगी ना मैं स्नेह तुम्हारे घर, ठीक है ना. वैसे ही ना जब मैं इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंचूंगी, तो मेरे पास क्या होगा, उसके लिए भी एक डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होंगी. हाँ क्या हुआ, किसी को कुछ पूछना है क्या, क्या हो गया, किसी को पूछना है, प्रेजेंट कर रहा है. यस प्रिया, यस प्रिया कुछ पूछना है बच्चा, क्या हुआ, चलो नहीं पूछना तो फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है. तो मेरा क्या हो गया, बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ, हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से शुरू हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, मेरा क्वांटम मैकेनिक्स, तो हम जाएंगे फिर, पहले हमारा वेव फंक्शन मिल गया, ठीक है. हमको क्या मिला, वेव फंक्शन. वेव फंक्शन किस पे जाएगा, मेरे क्वांटम नंबर्स के पास. अब क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर बताते हैं इलेक्ट्रॉन. अरे वाह, वेरी गुड. लेकिन भैया ऐसे थोड़ी ना है कि एड्रेस इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इतनी आसानी से पहुंच जाएंगे, नहीं. हमारा क्वांटम नंबर भी क्या है, ये भी चार रास्ते निकालता है, ठीक है ना. कौन कौन से, पहला रास्ता क्या होता है कि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जानो, ठीक है ना, एजीमूथल को जानो, ठीक है ना. क्या बोल रहे हैं कि वो एजीमूथल क्वांटम नंबर को जानो, फिर क्या बोलता है वो, फिर क्या बोलता है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जानो, और लास्ट में कहता है अब उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन जानो, ठीक है ना. देन उसके बाद हमको पता चलेगा ना एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना, ठीक है ना. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमको जो फाई स्क्वायर है ना, फाई स्क्वायर फंक्शन होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है. इस फाई स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, मुझको कहाँ मिलेंगे बच्चा, ऑर्बिटल में, ठीक है ना, कहाँ मिलेंगे, ऑर्बिटल में. अच्छा अब हम मैम से पिए तो पूछो कि मैम कभी ऑर्बिट यूज करते हो, कभी ऑर्बिटल यूज करते हो, कभी कुछ यूज करते हो, तो ये है क्या, कोई डिफरेंस बता सकता है मुझको. यस मैम,
बोलो बोलो मैम, जो ऑर्बिट है ना वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड न्यूक्लियस के, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ऑर्बिटल वो है जो रिप्रेजेंट करता है रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. ओके ठीक है. अगर मैं ये देखूं तो इसमें लाइक ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, कोई मुझे बताएगा? हम ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, और जो ऑर्बिटल होते हैं वो डिफरेंट शेप्स होती हैं उनकी. वेरी गुड. देखो जैसे मेरा क्या हो गया, ये ऑर्बिट होता है, ठीक है, ये क्या होता है मेरा ऑर्बिट होता है. गिव मी अ सेकंड, मैं इसको रब कर देती हूँ. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया. ठीक है, अब ऑर्बिट को हम शेल भी तो बोलते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम कहा जाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम देखेंगे ऑर्बिट में, शेल में. लेकिन फिर भी मेरे ऑर्बिट में क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं. क्या होते हैं मेरे सब शेल्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? एस पी डी एफ, नाम सुना होगा. सुना है ना. जो एल की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, जो एल वैल्यू डिफाइन करता है मेरा. और एल क्या होता है मेरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर. क्या बताएगा मेरा सब ऑर्बिट्स के बारे में. ठीक है, ठीक है ना. प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है अबाउट द शेल. ठीक है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है अबाउट द सब ऑर्बिट या फिर सब शेल. इसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिट या फिर सब शेल, है ना, है कि नहीं. अब मेरे सब शेल और सब ऑर्बिट में होते हैं मेरे ऑर्बिटल. समझ गए ना, समझे. जिसमें क्या होते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं कि मेरे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो है ना, अब समझ आया सारा कॉन्सेप्ट. यस मैम. कैसे मैम, टू से ज्यादा कैसे नहीं आ सकते? ओह माय गॉड, टू से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो हमारा एस होता है, जब हम एन वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे एस में सॉरी, एस क्या होता है मेरा, एस सबशेल होता है. एस में हम क्या होंगे, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स ही रखेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भैया दो इलेक्ट्रॉन्स की है. मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी कैपेसिटी भाई साहब 5 किलो वेट वजन उठाने की, तुम 10 किलो क्यों उठा रहे हो, तो क्या बोलोगे? तो क्योंकि मैम हम खाना कम खाते हैं. ये तो कोई वो नहीं हुआ, तुम बोलोगे कि मैम मेरी कैपेसिटी इतनी है, क्या मैं उठा लूंगी 10 किलो. व्हाई द ऑर्बिटल्स हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, जितनी कैपेसिटी होगी उतना उठा लेंगे. तो अरे हमारा क्या हो गया, आगे मेरा एक आएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बताएगा कि भाई दो इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते. ठीक है, अभी हमें आगे तक बढ़ने दो धीरे धीरे. ठीक है, अब ना अच्छा चल एक चीज बताओ, जो मेरी क्लॉक होती है उसके दो ही डायरेक्शन क्यों होती है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, इसके 4 डायरेक्शन क्यों नहीं होती है? हाँ बोलो बोलो. दोनों तरफ ही घूम सकता है ऐसे तो फिर. जी हाँ, क्योंकि जो हमारी स्पिन होती है ना, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, उसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, विच वन, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ. इसीलिए हम क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में हम दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकते. अब समझे नहीं समझे? मैम समझ गए. तो भाई साहब जब हमारी स्पिन ही दो है, क्यों? क्योंकि या तो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा. अब कोई तीसरी डायरेक्शन तो उनके लिए लेके नहीं. हाँ तीसरी डायरेक्शन होती तो शायद 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे एक ऑर्बिटल में. ठीक है ठीक है ना, क्योंकि हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, सिर्फ दो वैल्यूज होती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. और हम क्या, इसीलिए हम नो टू मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम और भी, तो डेथ बार हम क्या कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए दो ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं. ठीक है बच्चे, वैसे गुड क्वेश्चन. मैम को भी वो कहते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका मिल गया दिमाग को, थैंक यू. चलिए पढ़ लिया अभी यहाँ तक. अगर मैं पूछूं कि लाइक इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, कोई आपसे पूछे, क्योंकि हर चीज देखने देख देख के चलनी पड़ेगी. लाइक मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं किसके, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन.
ठीक है, किसके? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो क्या होते हैं भैया, कौन मुझे बताएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स, कौन समझा सकता है, कोई बता सकता है? अभी तो, अभी एक तो मैंने पढ़ लिया, तो एक तो बता सकते हो, चलो बताओ। लिख देती हूँ, अब समझ आया। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे किसी एटम में, सिर्फ क्या होती है उनकी क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। और ये चीज क्या है, पहले भी बताई जा चुकी है आपको, सेम मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में होता है। क्यों? जैसे जैसे मेरी एनर्जी क्या होगी, जैसे जैसे मेरी एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे मेरा क्या होता है बच्चा, वैसे वैसे मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हम क्या होंगे, शेल इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे मेरी एनर्जी बढ़ती है मेरे क्या होते हैं, शेल भी तो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरे क्या होगी, एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है क्या हो गया, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, जो मेरी सेकंड चीज होती है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो बताता है कि जो क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है। अब हमने क्या पढ़ा था, क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन बाय दी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो हमारी वेव इक्वेशन है वो किसको बताती है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, कि इस सेल में इतना एनर्जी होगा, दूसरे में इतना होगा। इससे पहले कौन बता रहा था हमारा क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, किसने बताया था, कहाँ पढ़ा था हमने क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी बच्चे, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, बोर्स मॉडल में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस मैम पढ़ी थी। ओ यस मैम पढ़ी थी। बोर्स मॉडल में क्या पढ़ा था, लेवल्स पढ़े थे ना, के एल एम एन, वैसे मेरी एनर्जी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। फर्स्ट लाइक -13.6, देन इसके बाद क्या था -3.4, देन इसके बाद -1.51, देन इसके बाद क्या था 0.85 पढ़ा तो था। क्या शैतानो क्या कर रहे हो। नेक्स्ट मेरा क्या है, इसमें है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या बताता है, सिंपल कोऑर्डिनेट बताएगा ये, ठीक है, ये क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट, सिंपल कोऑर्डिनेट बताएगा कि कौन से कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। लेकिन फाई स्क्वायर क्या बताता है मेरा, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि मेरे बेसिकली इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, ठीक है। ये दो चीजें हैं, ये मेरा वेव फंक्शन है, ये मेरा क्या है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, सिंपल कोऑर्डिनेट बताएगा लाइक एक्स वाई जेड एक्सिस, और ये क्या बताता है मेरे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ आया? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अच्छा तो अभी पढ़ा था हमने ऑर्बिटल, क्या होता है ऑर्बिटल, क्या होता है ऑर्बिटल, क्या होता है ऑर्बिटल, जिसकी डिफरेंट शेप्स होती है, ठीक है, और न्यूक्लियस से क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितने भी हमारे वेव फंक्शन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के, इसलिए क्या होते हैं हमारे एटम में, क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एटम में, ठीक है। अब मेरा बात करते हैं किसकी, क्वांटम नंबर की, किसकी बात कर रहे हैं भैया, क्वांटम नंबर की। तो मेरा क्वांटम नंबर क्या बताता है बच्चे, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड मेरा बच्चा, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेरी गुड। अब ये डिटरमाइन करते हैं हमारे कितने लेवल्स होते हैं, इसके फोर लेवल्स होते हैं, ठीक है, फोर लेवल्स होते हैं। अब फर्स्ट लेवल क्या होता है मेरा, फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी गुड, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देता है, अबाउट द शेल, अबाउट द ऑर्बिट, अबाउट द एनर्जी लेवल, है ना, है ना,
वेरी गुड, क्या बात है। ऑल्सो ये क्या डिटरमाइन करेगा मेरा साइज, किसका कौन सा शेल है ना, तो साइज हो गया ना एन वन थ्री फोर, ठीक है ना, साइज भी और क्या है एनर्जी लेवल, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना, है ना। अच्छा एक और क्या चीज है इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जैसे जैसे मेरा सेल इंक्रीज होगा और क्या इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मेरा सेल इंक्रीज होगा इससे क्या होगा, एनर्जी। क्या बात है, वेरी गुड। तो जैसे जैसे मेरा सेल इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरी क्या होगी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्या बात है, वेरी गुड। और हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को वैसे स्मॉल एन से लिखते हैं, तो एन की वैल्यू क्या होती है मेरी, ए एल एम एन ओ पी या फिर 1 2 3 4 अप टू द इनफिनिट, राइट। मेरा क्या हो गया, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही एन मेरा इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगे ऑर्बिट भी इंक्रीज होंगी, है ना, मेरा होगा तो एन इंक्रीज हुआ एनर्जी भी इंक्रीज हुई, एन इंक्रीज हुआ तो मेरे ऑर्बिट भी इंक्रीज हो गए, है ना। मैम ये पढ़ा दिया है आपने, क्या पढ़ा दिया है ये कब मैम, ये पूरा करवा दिया है, शेप्स कराई मैम ना, शेप्स बची थी, मतलब तुम लोग करते क्या हो, तब से पूछ रही हूँ क्या कराया है, क्या कराया है, क्या कराया है, पूरा वो निकल गया, एंगुलर मोमेंटम कराया था मैंने, सब शेल्स का एंगुलर मोमेंटम, नो मैम, वाह, नो मैम, फिर कहाँ से हो गया ये पूरा, हुआ ही नहीं है मैम, तो क्वांटम नंबर करवा दिया था आपने, क्वांटम नंबर सिर्फ एजीमुथल तक कराया था फिर मैंने, मैम ये ऐसे एजीमुथल तक की करवाया था, ये देख अब बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो रिवीजन हो गया, फिर उसमें भी शैतान है कि उसमें भी चीजें भूले पड़े हैं, ठीक है। अब है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल। अब सबशेल में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद, पहले ये बताओ कि यदि ये भी याद देख लो कि हुआ है कि नहीं हुआ, इज इक्वल्स टू मेरा होता है एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। अब मेरे को एस सबशेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, एस में मेरा क्या होता है एल की वैल्यू, दैट इज एस पी डी एफ, एल की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, राइट। तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया एल की वैल्यू 0 0 प्लस 1 एच अपॉन टू पाई, अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, जीरो, ये नहीं हुआ ना मैम, करवा दिया ये भी, नो मैम ये नहीं करवाया है मैम, करवाया है दिखा है वो, फिर ये करवाया, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी करवा दिया है, और मैम स्पिन बस स्पिन तक क्या की क्लास खत्म है, ऐसा तो तुम पढ़ लो, ठीक है। अब तो तुम पढ़ी लो, ठीक है, पी सबशेल, अब पी सबशेल की वैल्यू क्या होती है, 1 1 प्लस में 1 एच अपॉन टू पाई, यू कैन से दैट इसका हो जाएगा रूट टू एच अपॉन टू पाई। पी और डी सबशेल का, डी सबशेल का क्या होता है वैल्यू मेरी होती है रूट सिक्स एच अपॉन टू पाई, सीधा वैल्यू लिख रही हूँ जब हो गया है तो। एफ सबशेल का क्या होता है, एफ सबशेल का होता है मेरा रूट 12 एच अपॉन टू पाई, ठीक है, ये होता है। अब मेरी बात करते हैं मेरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को और क्या बोलते हैं, ये बताता है मेरा ओरिएंटेशन, जो अभी बताया था कि क्या बताता है मेरा ओरिएंटेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑर्बिटल्स, इसकी ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, इन सब ऑर्बिट या फिर सबशेल, इन सबशेल। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है मेरा, एम निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस में वन, ठीक है, जैसे मेरा एस सबशेल होता है, अब एस में एल की वैल्यू जीरो होती है तो 2 × 0 + 1, तो एस ऑर्बिटल में हमारे एस सबशेल में मेरे कितने ऑर्बिट होंगे, सिर्फ 1, ठीक है। ऐसे ही P की वैल्यू निकालू तो 2 × 1 + 1, 2 × 1 = 2, मीन्स इसमें 3 ऑर्बिट्स होंगे, लाइक 1 2 3, ठीक है। और D में क्या हो जाएंगे, लो अब वही है तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, 2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा मेरा 5,
इसमें कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और f में क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1 दैट इज 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और आप जानते हो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इसमें दो है बीच में हो जाएंगे 6, 2, 3, 6, 5, 2, 10, 7, 2, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मेरा है नेक्स्ट है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है मेरा नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। अब मेरे स्पिन क्वांटम नंबर क्या देता है भैया, अबाउट दी, ये क्या देता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन या फिर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मेरा ऑर्बिटल है, अगर मेरा ऐसे है नीचे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है मेरी, क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ हो जाएगा। दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन इज माइनस, यस, तो ये हो जाएगी माइनस हाफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगी मेरा माइनस हाफ। अगर मेरे को टोटल स्पिन निकालनी है तो टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है एन इंटू हाफ, और एन जो होता है वो मेरा होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, तो हमारे क्या हो जाते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्वांटम नंबर का, क्वांटम नंबर हमारी फिनिश होती है, इसके बाद आएगा मेरा शेप्स ऑफ क्वांटम नंबर, लाइक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हमारी शेप्स भी, ठीक, फिर फिनिश हो जाएगा, इतना ज्यादा वो नहीं है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, पहला कौन सा ऑर्बिटल है भैया, पहला कौन सा ऑर्बिटल आता है, s orbital, हाँ, पहला जो मेरा ऑर्बिटल आता है दैट इज s ऑर्बिटल। तो s के क्या मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल, स्फेरिकल। अब मैंने बोला इस स्फेरिकल में जो m होता है, स्फेरिकल होता है m, m क्या होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम में एक्सिस, तो मेरी m की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इसका क्या मतलब है कि, और इसमें स्पिन क्या होते हैं, लाइक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी पढ़ा है, ठीक है। m की वैल्यू जीरो है, तो इसमें जब जीरो है तो क्या कहना चाहेगा ये, इसमें जो फाई स्क्वायर है, फाई स्क्वायर दे रहा, क्या दे रहा है, मेरी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये बता रहा है, ठीक है। अगर जब हमारे क्या होता है, पहले तो मैं ना एक लाइक डायग्राम बनाती हूँ आप लोगों, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मेरे इसके तरफ क्या है, एक मिनट, न्यूक्लियस बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट ग्राफ है, दैट्स व्हाई इसको करा रही हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ना फाई स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरे क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बताएगा, ठीक है। ये मेरा है 1s ऑर्बिटल, ये मेरा 2s ऑर्बिटल, ये मेरा 3s ऑर्बिटल, ठीक है। अब 1s ऑर्बिटल में आप क्या जानते हो हमारा, कि हमारा फर्स्ट शेल, ठीक है, ये मेरी क्या है, लाइक फर्स्ट शेल, ठीक है, ये रही मेरी, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब मेरा क्या कहना, कहने का मतलब है इसमें कि फर्स्ट 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और नियर टू द क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। इसीलिए जब हम क्या होते हैं, जैसे जैसे मेरा क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, वैसे मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की मैं बोलूं डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। मेरे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो मुझको मिलेंगे कहां पर मिलेंगे, नियर द न्यूक्लियस। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे मेरी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है।
तो मैंने देखा जो 1s है, 1s में मेरे को क्या मिल गए, मेरे को इलेक्ट्रॉन है, नियर द न्यूक्लियस है, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस है, बिल्कुल यहाँ पे मिल गए, चलो भाई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिल गए। अब मेरा 5² 1s में 2s में जाए, यहाँ हुआ, चलो यहाँ पर तो मेरे इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो लेकिन मेरे दूसरे में क्या हो गया, दूसरे में यहाँ देखो ऐसे बना दिया, मेरे इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब फिर से मैंने देखा, फिर से मैं इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मिले 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 मिले, क्या होगी, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो क्यों हो गई, क्योंकि हमको क्या मिल गई, नोड मिल गई, क्या मिली, नोड, यहाँ पर क्या मिली, नोड। अब नोड पे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, क्या होती है नोड पे, जीरो, जीरो। यहाँ पर तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर नोड पे जैसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर रखा, दूसरे वाले शेल में नोड मिल गई, नोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जीरो। अब फिर से क्या हो गया, वो डेंसिटी को क्या हुआ, पाई स्क्वायर की तो इंक्रीज हो गई, क्यों, अब तो नोड से बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे कहाँ पे मिलेंगे, अब बाहर से मिलेंगे, ऑर्बिटल में जाएगा ना, तो ऑर्बिटल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है बच्चे, तो क्या हो गया, जब हाई होती है तो ऊपर हो गया। अब हम देखते हैं 3s में, 3s में मैंने देखा यहाँ पर क्या हो गया, दो बन गए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिले, चलो यहाँ पर डेंसिटी पूरी हाई है, ठीक है, अब मेरे क्या हो गया, डेंसिटी बिल्कुल लो हो गई, क्यों, हमारे नोड पे पहुंच गए, कहाँ पे मिल गए, नोड पे, ये क्या है मेरी नोड, इसके बीच में, ठीक है, नोड, नोड पे फिर से क्या हो गया, मेरी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हुई, क्या हो गया, उसने देखा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मिलेंगे, ऑर्बिटल में मिलेंगे, घुसा, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर चलो मान इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई होगी, लेकिन फिर से नोड मिल गई, तो क्या हो गई, वो डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो गई, ये क्या हो गई, बिल्कुल फिर से जीरो हो गई, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये दीज आर कॉल्ड नोड, यहाँ पर क्या है मेरी नोड, ठीक है। अब मेरी जब नोड निकाली 1s 2s और 3s में, मैंने क्या देखा, 1s में जो मेरा n था, नंबर ऑफ n क्या था, 1, l क्या था, 0, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल, एक शेल है ना, ठीक है, यहाँ पर n क्या है, सेकंड है ना, तो 2, ये रहा ना 2, n क्या है इसमें 3, s, s की वैल्यू है, तो l तो मेरा सबके लिए क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, एल तो जीरो है ना, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो एक चीज निकली मेरी स्फेरिकल, स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड की वैल्यू थी दैट इज एन माइनस एल माइनस वन। अब मेरा मैंने देखा 1s, 1s में नंबर ऑफ नोड कितनी है बिटिया, एक है ना, 1, l क्या है इसकी, 0 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है देखो, 0, तो हमारे क्या हो गया, 1s में इलेक्ट्रॉन्स की क्या निकली, क्या हो गया, हाँ 0 पहुंच गया, तो इसमें कहने का क्या मतलब है, इसमें स्फेरिकल नोड क्या है, स्फेरिकल नोड कितनी है इसमें, 0, क्यों है ही नहीं, देखो कहाँ है इसमें कोई स्फेरिकल नोड दिख रही है क्या, नहीं ना, सिर्फ एक ऑर्बिट ही तो है, 1s नोड नहीं है ना, है ना। अब मैंने बोला 2s, 2s में क्या हो गया, n की वैल्यू तो 2 हो गई, l की वैल्यू अगेन 0, 1, तो इसमें क्या हो गया, 1, देखो एक नोड है कि नहीं, हाँ देखो ये रहा, जब 2s ऑर्बिटल की बात हो रही है तो इसमें क्या है, एक नोड है ना। नेक्स्ट देखो, अब 3s में क्या होगा, 3s में देखो 3 माइनस 0 माइनस 1, तो ये क्या हो गए, 2, तो ये देखो ये तो कितनी हो गई, 2 नोड, एक ये रही और एक ये रही, एक ये रही, ये दो नोड हो गई, ठीक है। तो नोड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो, कहां पर होती है, नोड क्या होती है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, जीरो, ठीक है। ये हो गई मेरी किसकी, एस की, ठीक है। अब कुछ एस के बारे में और जानकारी देती हूँ, लाइक मेरा क्या हो गया, मेरे 1s में क्या हो गया, सिंपल एक यही था और कुछ नहीं था, ठीक है। 1s में नंबर ऑफ नोड कितनी थी, 0, 2s में नंबर ऑफ नोड कितनी थी, एक नोड थी, ये रही मेरी, 3s में कितने नंबर ऑफ नोड थी, 2, एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना। अब मैंने क्या बोला, जो इमीडिएट रीजन होता है, इमीडिएट रीजन क्या होता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसे क्या बोला मैंने, इसे क्या बोला था, नोड, और जहां पे ये नोड पाई जाती है उस सरफेस को बोलते हैं नोडल सरफेस, और इसे क्या बोलेंगे, द इंटरमीडिएट रीजन, इंटरमीडिएट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस।
क्या होता है, नोडल सरफेस या सिंपल नोड। अब नंबर ऑफ नोड निकालने, स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है, अब मैंने क्या चीज देखी, एक और चीज देखी मैंने, क्या था जो मेरा फाइव था, वही फंक्शन था मेरा, क्या होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस पे देखता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे देख रहा है। अब जो मेरी नोड क्या है, स्फेरिकल है, देखो ना मेरी स्फेरिकल नोड है ये। ठीक है, अब स्फेरिकल नोड है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे देखूंगी, कौन सी डायरेक्शन में देखूंगी, इसने नहीं मेरे को इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं कौन सी डायरेक्शन में देखूंगी बच्चा, बोलो ना मैम, तीनों डायरेक्शंस में देखोगे, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल है, तीनों डायरेक्शंस में आ रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट पे वर्क कर रहा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है, ठीक है मैं बोलू कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ए इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, कि हम क्या है सारी डायरेक्शन में ढूंढेंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए जो मेरा स्फेरिकल शेप होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। ये ऐसे नहीं बोल रहा कि एक्स एक्सिस में जाओ वाई एक्सिस में है, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। क्या है मेरा स्फेरिकल एस शेप ऑर्बिटल, क्या है मेरा बच्चा, बोलो बोलो, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है डंबल शेप, कौन सी होती है, डंबल शेप। अब मेरी जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, दो नोड्स पे होती है। ठीक है, और दो नोड्स किस पे होती है मेरे, एक्सिस पे, या तो एक्स वाई पे होंगी, है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में दो डायरेक्शंस होती हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर सिंपल, एक और एक 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 लाइक इसमें स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला कि मेरे क्या होते हैं, मान लो ये नोड है, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो निकालते हैं हमारे पी ऑर्बिटल की शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो इसकी शेप क्या होती है, डंबल होती है। अब ये जो दो चीज होती है इन्हें क्या बोलते हैं बच्चा, अभी इस पे भी पूछा गया है, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं रेडियल नोड। इस पे भी क्वेश्चन आया है कि रेडियल नोड क्या होती है। ठीक है, ये रेडियल नोड होती है और ये जिस चीज पे बीच में ये प्लेन होता है इसे बोलते हैं, लाइक ये से बोल गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, जो रेडियल नोड के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, जैसे मेरा डंबल बनाया मैंने ये डंबल बनाया, ऐसे ही तो होता है डंबल, होता है ना डंबल, ऐसे उठाते हैं एक्सरसाइज करते रहते हैं, है ना, ये बीच में जो पकड़ने का स्पेस होता है ये क्या होता है, ये प्लेन होता है। ठीक है, ये क्या होता है मेरा, नोडल प्लेन। ठीक है, ये मेरे क्या होते हैं, रेडियल नोड्स, क्या बोलते हैं इनको बेबी, रेडियल नोड्स। ठीक है, अब ये जो प्लेन होता है ना, यहाँ पर क्या होती है वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की, जीरो। क्या होती है, जीरो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। ठीक है, अब इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं कि नहीं होते, थ्री ओरिएंटेशन होती है, जो पी ऑर्बिटल होता है इसकी थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, क्या होती है, थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक्स वाई जेड एक्सिस पे कौन कौन सी होती है मेरी, कौन बताएगा, वो होती है पी एक्स वाई और बोलो बोलो, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड पी जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने देखा, मैं डायरेक्शन की पूछूं तो ये क्या है, ये क्या है, ये डायरेक्शनल है ना, है ना, ये डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल इन नेचर। जो पी ऑर्बिटल है वो कौन सा है मेरा, डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शन तो दीदी कि ये क्या है, एक्स वाई एक्सिस पे बनेगा, ये वाई जेड पे, ये जेड पे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे, ये जेड पे, तो यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्शन दे दी, तो ये क्या हो गया मेरा, डायरेक्शनल इन नेचर। क्या हो गया बच्चे, डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, अब जब हमारे ये हमारे तीनों ऑर्बिट किसी पर्टिकुलर एनर्जी जब इन शेल में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, मैंने बोला कि इन थ्री पी ऑर्बिटल, इन थ्री पी ऑर्बिटल बिलोंग्स टू,
क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा है, बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर एनर्जी सेल, हैव क्या होता है, हैव इक्वल व्हाट एनर्जीज, और कॉल उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, डीजनरेट। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी देखा था तनु मैम ने, देखा था है ना। थ्री पी ऑर्बिटल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल, हैव इक्वल एनर्जी और कॉल डीजनरेट। जहां पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैंने बोला लाइक ट्वाइस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी जेड, ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका क्या मतलब है, डीजनरेट हो गए। ठीक है, ओके, यस मैम, यो तुम भी मेरे नीट बच्चे हैं वो यस कह रहे हैं, यो मैम, हाँ यो मैम, कभी कभी तो इतने कूल हो जाते, कभी कभी पता नहीं क्या ही कर देते हैं। चलिए ठीक है, कल याद रखना, कल के मैं याद रखूंगी, अब तो पी ऑर्बिटल हो गए, पी ऑर्बिटल तक हो गया है। ठीक है, कल हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने का, ठीक है बच्चा, ताकि हम परसों से न्यू चैप्टर शुरू करें। ठीक है, यस मैम, यस मैम, मजा आया, यस मैम, यस मैम।